नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। आज जसपुर नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक हंगामेदार रही। सपा सदों ने पूर्व प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए कहा कि नगर पालिका परिषद में जेई को हटाने की पूर्व में भी मांग की जाती रही, लेकिन जेई का आज तक स्थानांतरण तक नहीं कराया गया, जिसको लेकर सपा सदों में काफी आक्रोश दिखाई दिया। बैठक में 5 प्रस्तावों में से 3 प्रस्तावों को पास किया गया। 2 प्रस्तावों पर अगली बैठक में चर्चा किए जाने पर रोक लगा दी गई है। पूरी खबर जानते हैं जसपुर से हमारे संवाददाता डॉक्टर गुलाब सिंह राणा के साथ प्रदेश श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट में। इसलिए आगे कि जब हमारा जो एक बोर्ड में मतलब 2 महीने पहले एक प्रस्ताव पास किया गया कि हमें जेई की शिकायत है, जेई को हटा दिया जाए, और जेई को हटाने के लिए इस पर 200 मेंबरों ने अपनी मोहर लगा दी, साइन कर दिए, वो बात हो गई, वो आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब फिर मीटिंग रख दी गई, उसे ये जानकारी कि जब हम लोग पास कर देते हैं उस काम को पहले क्यों नहीं किया जाता। उसमें से एक यहाँ के कर्मचारी जाके रिटायर्ड जो अखबार नाम है वो जाके कहते हैं कि मेंबरों की कोई ताकत नहीं है, उनको ना को हटा सकते हैं नहीं वो रख सकते हैं, इसलिए मेंबरों की कोई ताकत नहीं। बाहर आ गए, किस बात की मीटिंग करेंगे मेंबर, बताइए आप। तो हम रहेगा, आप देखते हैं क्या निर्णय निकलेगा उसके बारे में हम बताएंगे आगे की, अभी तो ये चर्चा चल रही है। 5 प्रस्ताव थे, 5 में से 2 प्रस्ताव अगली बैठक के लिए, और 5 नंबर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने के संबंध में इसको कासमपुर मोड़ के लिए अगली बैठक में रख दिया गया है। आवास विकास कॉलोनी में एक पार्क दक्ष प्रजापति की मूर्ति स्थापना का सौंदर्यकरण के लिए किया गया है। कूड़ा डालने के लिए टंचिंग ग्राउंड की भूमि पालिका द्वारा खरीदने पर सहमति बनी है, और नगर पालिका में पंजीकृत ठेकेदारों के उपनियम बनाए गए हैं, उनकी स्वीकृति की गई है।